यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। और हम इस कहानी में मिलता है कि हालात कैसे भी हों, अगर हम अपनी सोच बदल लें तो सब कुछ बदल सकता है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती किसान था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसका मानना था कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। रोजमर्रा की मुश्किलों से परेशान होकर उसने सोचा कि उसे शहर जाकर कुछ काम करना चाहिए, शायद वहां उसकी किस्मत बदल जाए। महेश ने अपनी पत्नी और बच्चों से विदा ली और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में आकर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद उसकी सारी बचत भी खत्म हो गई और वह हताश होकर सड़क के किनारे बैठा था। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा। उसने महेश की हालत देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? महेश ने अपनी सारी कहानी बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी सोच में है, परिस्थिति में नहीं। अगर तुम सोच बदल लोगे तो हालात भी बदल जाएंगे। महेश ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने एक छोटा सा बीज रमेश को दिया और कहा, इस बीज को अपने गांव ले जाकर अच्छे से उगाओ। जब यह पेड़ बनेगा तो तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। महेश ने थोड़ा अचरज किया, लेकिन बुजुर्ग की बात मानकर वह गांव लौट आया। उसने उस बीज को अपने खेत में लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। समय के साथ वह बीज एक बड़ा और सुंदर पेड़ बन गया। उस पेड़ को देखकर रमेश की सोच में भी बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि अगर वह मेहनत और धैर्य से काम करे तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है। उसने अपनी खेती में नए तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया और उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब महेश अपने गांव में एक सफल किसान के रूप में जाना जाता था। उसने समझ लिया था कि असली बदलाव हमारी सोच में होता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और मेहनत से काम करें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। महेश की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हालात कैसे भी हों, अगर हम अपनी सोच बदल लें तो सब कुछ बदल सकता है।